हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एवरीडे शेफ्स। मैं बात कर रही हूँ उन लवली मदर्स की जो सुबह सुबह उठ के बड़े प्यार से अपने बच्चों का डब्बा बनाते हैं। वेल मॉम्स, वी आर हियर टू मेक योर मॉर्निंग ईजियर एंड योर चिल्ड्रन हैप्पियर। वेलकम टू टिफिन डिलाइट्स। मैं हूँ इस वक्त एट दुबई मीडिया सिटी एट अर्बन बिस्ट्रो और मेरे साथ हैं शेफ सिनु, हु हैज बीन काइंड इनफ टू शो अस सम डिलीशियस रेसिपीज फॉर द टिफिन। Chef, welcome to Z Connect. Thank you so much for having me here. Well, our pleasure. Chef, बताइए आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बहुत ही स्पेशल और बहुत ही सिंपल डिश बनाएंगे। Okay. जिसको कहेंगे हम एग्स इन अवोकाडो। तो आज हम बनाएंगे एग्स इन अवोकाडो। Okay. मैं आपको बताता हूँ कैसे। अवोकाडोस विल कट इनटू हाफ। इसके इंग्रेडिएंट्स तो बहुत हेल्दी लग रहे हैं। It's very healthy, very easy, as I said. Okay, so we've taken a ripe avocado. Yes, and then. और हमने उसे center से काट दिया. It's very easy to remove. Oh, that's a cool technique. Nice. Okay. That's how you remove the seeds. Yes. Hmm. So now you have two halves of avocado. Okay. Now we need eggs to be poached. Okay. Normally हम क्या कर सकते हैं इसको, हम scrambled egg भी use कर सकते हैं. घर में मतलब बनाने में अगर ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, जैसे बहुत बार क्या मॉम्स पोस्ट डेक बनाते हैं तो मुश्किल होता है, कभी प्रॉपर शेप नहीं बनता है या पूरा वाइट फैल जाता है। यस, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए या तो आप स्क्रैम्बल डेक बना लें अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो, नहीं तो हम यहाँ पे पोस्ट डेक बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, परफेक्ट। पानी ले लें, शुड बी सफिशिएंट वाटर सो दैट द एग कैन एक्चुअली इमर्ज इन एंड देन यू नो इट coagulates faster. Okay. So the egg should completely drown in the water. Yes. Okay. Now you add some white vinegar. Okay. And a little bit of salt. क्या होता है कि जैसे पानी बॉयल हो रहा है, एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब आप पोस्ट डक बनाएंगे तो कोशिश कीजिए कि आप स्पून लेके उसको जरा घुमा दें, स्टर कर लें, और ऐसे दो तीन बार जैसे घुमाने के बाद जो है पानी के जैसे सेंटर में अगर आप एग को ड्रॉप करते हैं तो इट्स वेरी इजी टू गेट दैट राउंड प्रॉपर कोगुलेटेड शेप, इट नॉट स्प्रेड और पूरा अलग अलग नहीं होता है और आपको एक अच्छा शेप मिलता है। परफेक्ट। दैट आई थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक व्हाइल मेकिंग पोच्ड एग्स। या पानी को स्टर कर लीजिए ताकि सेंटर में यू गेट दिस पॉइंट वेयर जहाँ पे आप अंडा फोड़ेंगे द होल थिंग स्टेज टुगेदर, लुक्स गुड, इट्स नॉट स्प्रेड मच, व्हिच इज अ गुड साइन। और ऑल्सो फॉर दिस आपने जैसे अर्लियर यू सेड दैट द एग्स शुड बी फ्रेश फॉर अ परफेक्ट पोच्ड एग, इज दैट राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नो मैटर, आई मीन, इफ यू आर मेकिंग अ नॉर्मल अदर एग डिश लाइक एन ऑमलेट और समथिंग, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हेन इट कम्स टू अ पोच्ड एग, लाइक आई टोल्ड यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट, यू नो, टू हैव द वाइट एंड योक टू बी टुगेदर। तो उसके लिए क्या होता है कि आप फ्रेश एग लेंगे तभी वो पॉसिबल होगा। पानी में डलते ही जैसे बोलते हैं कि वाइट स्प्रेड हो जाता है, उसका एक रीजन ये भी होता है कि एग फ्रेश नहीं है और एग का जो व्हाइट जो है वो स्प्रेड हो जाता है। बाय द टाइम यू पोस्ट द एग यू गेट ओनली द योक, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज फ्रेश एग्स फॉर पोस्ट एग। जब तक हमारे जो एग जो है वो पोच हो रहे हैं, एक दूसरा चीज बनाते हैं हम, इसके अंदर थोड़ा सा एक क्रीम चीज का जो है फिलिंग डालेंगे। ओह लवली, इट विल एनहांस द टेस्ट और थोड़ा फ्रेश फील होगा। ओके ओके, सो वी नीड सम क्रीम चीज फॉर दैट, सो आई विल गेट यू सम कुक क्रीम चीज फॉर दैट। हियर यू गो। ओके, फ्रेश, दैट्स सो गुड। सो वी जस्ट टेक सम क्रीम चीज। वाओ, एंड द गुड पार्ट इज इट्स सो इजी टू यूज एंड इजी टू स्प्रेड और ये डिप्स में भी बहुत अच्छा काम आता है। एब्सोल्युटली, बहुत ही क्रीमी है और बहुत अच्छा लगता है। सो थोड़ा सा लेमन डालूंगा इसमें मैं, लेमन जूस, सॉल्ट। यस, ओके। मीनवेल पोस्ट एग रेडी हो चुका है, देखिए प्रॉपर शेप, पोस्ट एग रेडी। सो अब क्या करेंगे, इस क्रीम चीज को हम इसके अंदर फिल कर लेंगे। सो यू जस्ट fill it up half, okay. And then what you do is you put the poached egg. This is so creative, I love how it looks. And then you put the other one. So abhi ye khatam nahi hua, abhi iske upar hum thoda sa mozzarella cheese dalenge. Lovely. So you need some cooked mozzarella cheese for that. So is it like a topping? Yes, I'll be just topping it with little bit of mozzarella cheese. Wow, so the good part is that we already have it's shredded cheese. हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, we just have to add it on top. Absolutely. ज़्यादा डाल दीजिए। So अब ये हो गया है, अब मोज़रेला चीज़ डाल दिया, इसको हम थोड़ा ऊपर से इसको ग्रैटिनेट करेंगे।
तो उसके लिए क्या होगा कि या घर पे जैसे हमेशा जैसे ब्लू टॉर्च नहीं होता है तो आप इसको रेगुलर ओवन में भी डाल सकते हैं, बट याद रखिए कि टेम्परेचर थोड़ा हाई हो. ऑल यू नीड इज टू मेल्ट द चीज. तो जब सो दैट कैन बी डन एनीवेयर. यस, बिकॉज एवोकाडो जैसे एक यू नो इट्स ऑलरेडी यू वॉन्ट टू हैव इट इन अ राइप फॉर्म. नो नीड टू कुक एनीथिंग. एग इज ऑलरेडी कुक. सो ऑल यू नीड इज द मेल्टेड चीज ऑन टॉप. सो या ईदर वी कैन गेट अ ब्लो टॉर्च फ्रॉम वन ऑफ द सुपरमार्केट्स व्हिच यू सेड इज इजीली अवेलेबल. या इट्स नाउडेज इट्स वेरी इजीली अवेलेबल. लवली, लुक एट द चीज मेल्टिंग. सो दिस इज गोना ऐड द टेस्ट एंड देयर आर टू यूजेस ऑफ इट. एक तो टेस्ट डेफिनेटली ऐड करेगा और दूसरा क्या है, इट इज गोना होल्ड द एग देयर. इट वोंट स्प्रेड आउट और फॉल आउट. या so like chef Cinu rightly said, agar hamare paas glow torch nahi hai to very good option is to put it in the baking oven on the upper part for a few minutes and the cheese will melt exactly like this. That's it. So ab again agar I'm sure you know it's more or like a cup now. Yes, you know it's a cup and you've got the dish inside. So it's very easy for the kid to have it, you know, scooping it out with a spoon. Yes. And then you know you can have it. Perfect. Ab jaise hamesha hum karte hain, now the second part of it, the exciting part the of exciting it, exciting side dish. Yes, we will do a small what do you call a nacho. Okay. Or even you can call a mini pizza. Okay. You know, for your kid. And so, I can see you have a mini base here. Yes, what I've done is I've used a tortilla sheet. Uh-huh. I've just used a ring. Okay. You know, you just oh. cut it with it. Brilliant. Yeah, you get small rounds like this. Mm-hmm. Either you bake it or you fry it. Okay. Up to your choice. What have you done? You fried it? I've just fried it. Okay. Yes. And it's crispy. Can I break yeah, one? Sure. So yeah. It's crispy. Yes. Like a puri and it's perfect to eat. Yes. And then we use some, I'm using cherry tomatoes cherry here. Cherry tomatoes, okay. I'll just slice few cherry tomatoes. Isko hum spread kar dete hain iske upar. Add a little bit of salt. Salt, okay. We use the puk emmental slices. Okay. So did you know it's 100% natural? We are using the emmental one, but it's available in 4 variants. Okay. So there is gouda, mozzarella, emmental and havarti. Now so now I'm using 2 slices of it. Make it little strips. Okay. So that you know, बच्चों के लिए हमेशा fancy चीजें होना बहुत जरूरी होता है. Very true. और चीज देख के तो दे विल ऑलरेडी फील एक्साइटेड टू ईट इट. स्टार्ट विद वन. वी जस्ट पुट दिस वाओ ऑन टॉप. वी कैन आल्सो ऐड द श्रेडेड मोज़रेला. या ऑफ कोर्स यू कैन ऐड इवन क्रीम चीज आल्सो. बट व्हेन यू एडिंग क्रीम चीज यू हैव टू रिमूव वन थिंग. उसको फिर ये टॉर्च करने का या बेक करने की जरूरत नहीं है. right. जैसे मैंने आपको बोला, ये मिनी पिज्जा बोलोगे या नाचोस बोलोगे तो it has to be like a topping on top of your regular tortilla chips. Right. So jab cream cheese dalenge to wo hamesha base mein rakhiye. Usse kya hoga ki wo tomatoes hilenge nahi aur wo it'll stick to the. Yes. So now it's ready and your part. Time for tiffin. Absolutely. So chef, I think the challenge here is ki hum ise isme kaise dalenge and how will you make sure it doesn't move when the kid takes. Okay, now it? As I told you ये ऑलरेडी स्किन के साथ है. ओके. अभी टिफिन में अगर नहीं हो रहा है तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट स्कूप इट आउट. ओह परफेक्ट. सो दैट्स अनदर ऑप्शन. यस. ओके. और जब हम इनफैक्ट घर पे बना रहे हैं व्हिच लुक्स लाइक एन अमेजिंग ब्रेकफास्ट वी इवन हैव एट होम यू कैन सर्व इट विद द स्किन. यस. सो आई एम जस्ट स्कूपिंग इट आउट. नाइस. फ्लेवर्स आर वेरी गुड. इट टेस्ट गुड. आई एम श्योर इट्स गोना लुक गुड. So I'm going to put 2 pieces of this also along with it. Lovely. The nachos or the pizza, the mini pizza. Oh my God. There you go. This is brilliant. Moms, this is eggs and avocado and you have to look at how amazing it looks. I'm sure with this, your tiffins will come back empty. Your kids will come back with fuller tummies and happier faces. Thank you so much, Chef, for this amazing recipe for today. Thank you so much. Thanks a lot.